रुक करते हैं प्रदेश की ओर। साइबर अपराधियों ने आयकर रिफंड के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने की नई तरकीब निकाली है, जिसके चलते आयकर रिफंड का पैसा सीधे आपके खाते में आने की जानकारी मोबाइल उपभोक्ता के नंबर पर दी जाती है और इसके साथ एक लिंक भी शेयर किया जाता है, जिस पर क्लिक करते ही खाताधारक की पूरी जानकारी साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाती है और आपके खाते से सारी रकम उठ जाती है। वहीं साइबर अपराधियों की इस नई तकनीक की जानकारी मिलते ही बिलासपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने साइबर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। साइबर अपराधियों ने आयकर रिफंड के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने की नई तरकीब निकाली है, जिसके चलते आयकर रिफंड का पैसा सीधे आपके खाते में आने की जानकारी मोबाइल उपभोक्ता के नंबर पर दी जाती है और इसके साथ एक लिंक भी शेयर किया जाता है, जिस पर क्लिक करते ही खाताधारक की पूरी जानकारी साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाती है और आपके खाते से सारी रकम उठ जाती है। वहीं साइबर अपराधियों की इस नई तकनीक की जानकारी मिलते ही बिलासपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने साइबर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। बिलासपुर के नरसिंह दत्त का कहना है कि उनके मोबाइल पर आयकर रिफंड को लेकर एक मैसेज आया था, जिसकी छानबीन पर पता चला कि ये एक फ्रॉड मैसेज है और उन्होंने उस मैसेज के लिंक पर क्लिक नहीं किया, अगर किया होता तो उनके खाते से पैसा उठ जाता। वहीं बिलासपुर पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा का कहना है कि साइबर अपराधी लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए नई तकनीक का सहारा ले रहे हैं, जिसके चलते ऐसे मैसेज से उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है और पुलिस प्रशासन भी लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है, ताकि इस तरह के फ्रॉड से उन्हें बचाया जा सके। देखिए, जो साइबर क्राइम है वो डिफरेंट तरीके के मोडस ऑपरेंडी जो है वो फ्रॉडस्टर्स यूज कर रहे हैं, और इसी चीज को देखते हुए जिला पुलिस भी और स्टेट पुलिस कंटिन्यूसली काफी अवेयरनेस के लिए काफी एड्स और नोट्स जारी कर रही है। उसी में एक हमने भी रिसेंटली बताया गया है कि किस तरह से आपको आजकल कोई टेक्स्ट मैसेज आता है और टेक्स्ट मैसेज जिस तरह से दर्शाया जाता है कि जैसे वो एक ऑथराइज्ड या ऑफिशियल मैसेज है और उस पर क्लिक करा जाए तो आपको कोई भी तरह का बेनिफिट, चाहे वो आपकी कोई कंप्लेंट है, चाहे कोई रिफंड है, मान लीजिए इवन इंश्योरेंस पॉलिसीज या बैंक पॉलिसीज, उसका नाम भी लिया जाता है, ताकि जो लोग हैं आजकल वो अपना एक तरीका जो पिन पूछने का या ओटीपी पूछने का करते थे, उसके अलावा ये नया तरीका है कि वो आपको मैसेज भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो ऐसे आप, मेरा आपको ये अनुरोध है कि किसी भी तरह का कोई लिंक आपके पास अगर मैसेज पे आता है, आप उस लिंक को क्लिक ना करें। आपने किसी वेबसाइट पे जाना है, अगर आपने वहां से कोई भी, आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी इशू है, जो उसकी वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे सेपरेटली लॉग इन करें और फिर देखें, लेकिन कोई भी आए हुए लिंक पे ना क्लिक करें, क्योंकि जो ये आए हुए लिंक्स हैं इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी आपका अपना डेटा, जो गुप्त डेटा होता है, वो लीक हो जाता है फ्रॉडस्टर्स के पास और वो इमीडिएटली जो भी अकाउंट उससे लिंक होता है उससे पैसे निकाल रहे हैं। तो काइंडली इस तरह के मोडस ऑपरेंडी जो वो यूज कर रहे हैं, इससे भी आप लोग बचे रहे। मैसेज आ रहा है, इस मैसेज में एक लिंक आता है, उसे मैसेज में एक लिंक और इस मैसेज को में लिखा होता है कि आप इस लिंक को ओपन करो और जो आपकी आयकर विभाग द्वारा राशि जाती है वह राशि आपको वापस हो जाएगी। लेकिन यह मैसेज अकाउंट हैंकर द्वारा जैसे लोग भेज रहे हैं, जब हमने इस मैसेज का पता किया तो हमें पता चला कि यह आयकर विभाग का नहीं है, यह मैसेज अकाउंट हैक करने वालों का द्वारा भेजा गया है।